गाइज वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एंड आज बड़े दिनों बाद भाई रूम में शूट कर रहे हैं, क्योंकि व्हाई नॉट, इतने टाइम से हम बाहर शूट कर रहे थे तो आज यार कर लेते हैं रूम में शूट। सो ये बातें छोड़ते हुए आज की वीडियो सिर्फ बेस है पीआर पॉइंट्स के बेस पे, ठीक है? क्योंकि देखो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा हो, इंडिया से आ रहा हो, चाइना से आ रहा हो, भाई कहीं से भी आ रहा हो, उसके माइंड में एक क्वेश्चन भाई फिक्स रहता है कि हाउ टू गेट अ पीआर, पीआर पॉइंट्स मेरे किस बेस पे कैलकुलेट होंगे एंड किस किस कैटेगरीज में मैक्सिमम पीआर पॉइंट्स में ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग 7 कैटेगरीज ऑफ पॉइंट्स विद यू, जिसके बेस पे आपको पीआर पॉइंट्स मिलते हैं। एंड इन दी एंड आई विल टेक यू टू दी होम अफेयर्स वेबसाइट, वहाँ पे मैं अपना ही पीआर पॉइंट्स कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, सो दैट मेरी जगह अगर आप भी पीआर पॉइंट्स कैलकुलेट करो यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट, ठीक है? तो स्टार्टिंग में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर होम अफेयर्स वेबसाइट पर भी जाएंगे। एंड स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहे सो मेक श्योर यू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, एंड अपने तुम्हारे भाई का रिस्पॉन्स टाइम तो सही है तो रिस्पॉन्ड कर दूंगा मैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो गाइस सबसे पहला और सबसे मेजर जो फैक्टर आता है दैट इज़ दी एज फैक्टर। अब अगर आपकी एज 18 से 24 के बीच है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। इफ़ यू आर बिटवीन 25 एंड 32 आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज़ 30 पॉइंट्स। एंड अगर अगेन उसके बाद और ऊपर आपकी एज जाती रहती है तो पॉइंट्स स्लोली कीप डिक्रीजिंग। सो लाइक 25 टू 32 इज़ दैट पॉइंट ब्रैकेट जिसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है? उसके आगे कम मिलेंगे, उसके पीछे भी कम मिलेंगे। सो मेक श्योर अगर आप पॉइंट्स का आपको मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए यू फॉल इन दैट एज ब्रैकेट एंड उसके बेसिस पे यू विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पीआर के लिए आता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है? सो इफ यू हैव एन ओवरऑल 8 बैंड विच मींस 8 इन राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उसके आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपका 7 एंड अबव बैंड है बट लेस देन 8 देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स। एंड अगर आपका 6 बैंड एंड अबव है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज 6 बैंड इज लाइक द बेस। एंड अगर 6 से आपके कम है बैंड तो आप एलिजिबल नहीं हो पीआर अप्लाई करने के लिए। सो अगर मेक श्योर कि आपको पीआर अप्लाई करना है तो लेट्स से कि यू नो 6 बैंड आपको मिनिमम मेंटेन करना है एंड उसके ऊपर आप जितना जाता रहोगे द पॉइंट्स विल ग्रेजुअली कीप इंक्रीजिंग। एंड देखो 8 ओवरऑल बैंड लाना है हर एक सेगमेंट में लाना इज़ नॉट अ वेरी टफ टास्क अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश तो नॉर्मली बोलते बोलते भी ना यू विल ब्रश अप योर स्किल्स वेरी इजीली। सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा टू गेट एन 8 बैंड। सो मेरी अकॉर्डिंग आई थिंक यू विल बी प्रीटी कंफर्टेबल। ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं है बट यू नो वंस यू वर्क फॉर इट यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। एंड यू नो 20 पॉइंट्स इज अ बिग थिंग व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ पीआर, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी एजुकेशन का, ठीक है? सो लाइक अगर मैं अपना एग्जाम्पल हूँ तो मैंने बैचलर्स इंडिया से की थी। सो अगर आपने बैचलर्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से किया है विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन यू नो गवर्नमेंट तो आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड देन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में विद इन 2 ईयर्स आपने अगर मास्टर्स किया है विच यू नो लास्ट फॉर टाइम स्पैन ऑफ 2 ईयर्स यू विल गेट 5 एक्स्ट्रा पीआर पॉइंट्स। तो अगर आप क्यूमुलेटिव देखो तो योर बैचलर एंड मास्टर्स कैन गिव यू अप टू 20 पॉइंट्स विच इज़ अगेन अ बिग बूस्ट। एंड ये 3 मेन कैटेगरीज थी जिसपे यू नो मैक्सिमम पॉइंट्स आप ले सकते हो, योर एज, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक यू नो नाटी का टेस्ट होता है। नाटी इज़ लाइक अ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज में यू नो एज एन इंटरप्रेटर का आप काम कर सकते हो। सो लाइक हिंदी भी ऑप्शन है, स्पेन स्पैनिश फ्रेंच ऑल लैंग्वेजेस आर देयर। नाटी में होता क्या, यू विल जस्ट हैव टू यू नो ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू दैट लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो अगर आप ये वाला टेस्ट क्लियर कर लेते हो सो यू कैन गेट 5 एक्स्ट्रा पीआर पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल ईयर की, ठीक है? अब प्रोफेशनल ईयर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट जो अकाउंटेंसी फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे दे डू अ प्रोफेशनल ईयर विच इज़ आई थिंक सॉर्ट ऑफ वर्किंग विद अ फर्म। अगर आप वो एक साल का करते हो सो यू गेट 5 पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल। सो जो लोग भी इस स्ट्रीम में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। और नेक्स्ट अप इज़ यू नो रीजनल एरियाज़। ये आई थिंक मैंने 2 वीडियोज़ पहले भी बता रखा है कि अगर आप रीजनल एरियाज़ में आते हो सो फ्रॉम नवंबर 2019 ऑनवर्ड्स जो यहाँ की होम अफेयर्स वेबसाइट है दे हैव सेड दैट यू नो इफ यू आर स्टडिंग इन अ रीजनल एरिया अगर अपनी एजुकेशन वहाँ से कर रहे हो यू विल गेट 5 एक्स्ट्रा पीयर पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल। सो भाई वो तो भाई फ्री के पॉइंट्स हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यू नो क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम इज़ प्रीटी कंसिस्टेंट ऑल थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, सो ऐसा नहीं है कि अगर आप रीजनल एरिया में आ रहे हो यू आर मिसिंग ऑन सम एजुकेशन, ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड दैट यू गो टू रीजनल एरिया एंड 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जस्ट गो ग्रैब इट। 7th एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? ना वर्क एक्सपीरियंस आपका इंडिया में अगर आपने कुछ किया है तो वो भी काउंट होगा, एंड जो आप ऑस्ट्रेलिया में आपने अगर आके कोई जॉब किया किसी के अंडर काम के दैट विल ऑल्सो भी काउंटेड। सो आई गेस मिनिमम क्राइटेरिया इज एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया, बट वो भी आपका अंडर 3 ईयर्स वाली कैटेगरी में आता है। सो लाइक अगर आप वेब होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाओगे एंड यू आर इनपुटिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन वर्क उसमें आपको ऑप्शन आएगा अंडर 3 ईयर्स, 3 टू 4 ईयर्स और यू नो मोर देन दैट। तो एक कैटेगरी तो वो हो गई।
एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो कुछ तो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट देर इज़ अ बेयर मिनिमम ऑफ 5। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो तो 5 पीआर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस के भी आपको मिलेंगे, बट दैट यू नो कीप्स चेंजिंग, सो मेक श्योर यू स्टे अपडेटेड विद द होम अफेयर्स वेबसाइट। उससे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मच फास्टर देन अस, क्योंकि देखो हम तो वीडियो में डालते हैं, वो हैंड टू हैंड अपने ब्लॉग में अपडेट कर देते हैं, तो उसको माइंड में रखते हो ना, उसको चेक करते रहा करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुकमार्क कर लो उसको, क्योंकि उस पर ना ऑलमोस्ट हर वीक कोई ना कोई अपडेट आती है रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा, रिलेटेड टू योर पीआर पॉइंट्स, कुछ भी हो दे विल यू नो अपडेटेड, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। लास्ट 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो वो है अगर आप यू नो सिंगल हो तो यूजुअली यू नो होम अफेयर्स क्या करते हैं, अगर आपका कोई स्पाउस है या कोई डिपेंडेंट है तो उसके पीआर पॉइंट्स एक्स्ट्रा वो यूजुअली नहीं देते, बट इफ़ यू आर अ सिंगल एंड अप्लाइंग फॉर अ पीआर एज एन इंडिविजुअल, उसके लिए भी आपको 5 एक्स्ट्रा पीआर पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो भाई शादी की वेट कर लो थोड़ी और एज अ सिंगल अप्लाई कर दो, क्योंकि आप सेटल हो जाओगे तो यार बाकी फैमिली भी आ जाएगी, सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड एज वेल। पीआर पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं सो जस्ट गूगल पे जाओ और ये टाइप करो, ऑस्ट्रेलियन पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर टाइप करना, और जो होम अफेयर्स की वेबसाइट है ना ये सबसे पहली वाली जिसमें .gov.au है, इसको खोलो। इसमें क्या है, सेपरेट कैटेगरीज बनी होती हैं हर पॉइंट की, वो आपका हैंड टू हैंड बता देंगे कैलकुलेट करके आपके पॉइंट्स बन कितने रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा विच इज़ वीज़ा सब क्लास 189, ये होती है इंडिविजुअल की सब क्लास। विच एज बैंड डू यू फिट इनटू, जैसे आई एम बिटवीन 18 एंड 25, सो आई विल सेलेक्ट दिस। इंग्लिश एफिशिएंसी देखो, अगर आपकी जैसे कॉम्पिटेंट इंग्लिश है दिस इज अबव 6, प्रोफिशिएंट इज अबव 7 एंड सुपीरियर इज अबव 8, सो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। ओवरसीज स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इज जो भी मैंने इंडिया में काम किया था, सो दैट आई डिड 3 इंटर्नशिप्स, बट उन तीनों का टोटल 3 ईयर्स बिल्कुल नहीं था, सो आई सेलेक्ट लेस देन 3 ईयर्स। ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट विच इज इन ऑस्ट्रेलिया, अब जैसे करेंटली जो भी मैं पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ दैट डज नॉट काउंट फॉर दिस, यू हैव टू बी वर्किंग फुल टाइम, तो आई डू इट लेस देन 1 ईयर, क्योंकि एज ऑफ नाउ नहीं मैंने काम किया फुल टाइम किसी भी उसमें। वट इज़ द हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट बैचलर डिग्री, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है अब, सो डू यू हैव एटलीस्ट 1 डिग्री डिप्लोमा, ये वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट विच इज येस, क्योंकि जैसे मैंने जो बैचलर्स भी किया है दैट इज रिकग्नाइज बाई द ऑस्ट्रेलियन स्टडीज़, जो भी यहाँ गव की रिक्वायरमेंट होती है। डू यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, येस, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी होपफुली, तो ये मास्टर्स डिग्री में भी आप येस कर सकते हो। ये है वो नाटी जो मैं आपको बता रहा था, नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स, इसका अगर आप टेस्ट कर देते हो सो दैट इज अगेन 5 फ्री पीआर पॉइंट्स। सो अभी मेरा नहीं है सो आई एम डूइंग नो, बट इफ़ यू हैव येस देन आप इसको येस कर देना। स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, येस आई एम स्टडिंग इन पर्थ विच डज कम इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, सो आई वुड सेलेक्ट येस फॉर दिस। पार्टनर भाई नहीं है अभी, ठीक है, सो यू आर सिंगल, ये वो ये वाला पार्ट कर देना। प्रोफेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, नो आई हैवेंट। अब देखो ये है मेरी टोटल पॉइंट समरी प्रॉपर ब्रैकेट के साथ एंड उसमें कितने पॉइंट मैं गेन कर रहा हूँ। सो देखो जैसे अभी मेरा पॉइंट्स टोटल 90 है प्रोवाइडेड मैं अपनी मास्टर्स क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो अगर एक बार आपके पास आपका टोटल आ गया फिर आप खोलोगे SOL लिस्ट, ठीक है। SOL लिस्ट में अगर आपकी ऑक्यूपेशन का PR है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया लिखा होगा, लाइक किसी किसी में 65 होता है, किसी किसी में 80s होता है, किसी किसी में 90 भी होता है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अकाउंटेंसी जो फर्म होती है ना, अकाउंटेंसी में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, ठीक है। सो फॉर अकाउंटेंसी द मिनिमम क्राइटेरिया एंड मिनिमम पीआर पॉइंट्स इज 85, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरिजन में कम है, सो द पॉइंट्स आर प्रीटी हाई। सिमिलरली अगर आप नर्सिंग एंड डॉक्टरी का कोर्स करते हो सो उसमें आई गेस 60 है बेंचमार्क, एंड गेटिंग 60 इज प्रीटी ईजी। तो डिपेंडिंग आप कौन से ऑक्यूपेशन कर रहे हो, हाउ इज़ दैट ऑक्यूपेशन इन डिमांड, उसके बेस पे मिनिमम क्राइटेरिया सेट करती है गवर्नमेंट, एंड देन दे कंपेयर योर पॉइंट्स कि भाई अब इस बंदे के पॉइंट कितने बन रहे हैं, एंड इज ही एलिजिबल टू अप्लाई द पीआर और नॉट। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड ये वीडियो बनाना इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि देखो पहली बार तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे दैट मेक अ वीडियो ऑन पीआर पॉइंट्स एंड ऑल, एंड सेकेंडली होता क्या है कि यू नो बहुत सारी लोग वेबसाइट्स रिफर करते हैं, लिंक्स रिफर करते हैं, होता क्या है कि वो मैनुअली पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और जो भी उनका टोटल आता है दैट बिकम्स रॉन्ग। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यार होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको हैंड टू हैंड ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बता देंगे, एंड ऑब्वियसली वो गलत तो होंगे नहीं बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन एरर। सो मेक श्योर अगर आपको अपने पॉइंट्स में कुछ भी डाउट है either you drop down your doubts or just go to the home affairs website and wo aapke doubt clear kar degi sare। and guys if you did found this video helpful make sure you leave a like, and agar aapke koi friend hai who might need this video make sure you share it with them।
लीव डाउन योर थॉट्स, लीव डाउन योर कॉमेंट्स, लीव डाउन एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन.